वेलकम टू अनी फैशन। आज हम आपको दिखाएंगे सेमी स्टिच फ्रॉक सूट की कटिंग के बारे में। इस प्रकार के सूट की दोबारा से नाप लेकर कटिंग की जाती है। इसमें हम सबसे पहले इनर की कटिंग करेंगे। ऐसे हमने कपड़ा बिठाया, फिर ये बीच सेंटर हमारा, फिर उसके बाद हमने इंची टेप से लंबाई नापी। जितना हमारा फ्रॉक सूट की लेंथ है उतनी हम लंबाई रखेंगे और इनर जो है 2 इंच नीचे से हम कम रखते हैं। फिर उसके बाद चेस्ट का निशान लगाएंगे 6.5, 14, 21। फिर उसके बाद स्ट्रेट स्ट्रेट निशान लगा लेंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद हम चेस्ट नापेंगे। चेस्ट हमारी है 38 इंच, उसमें हम 2.5 इंच मिलाएंगे। ये फिर उसका हम आधा करेंगे, फिर उसका भी जितना आया है फिर उसका आधा इस तरीके से। ये फिर हम चेस्ट का निशान लगा देंगे। अब हम नापेंगे कमर। कमर हमारी 33 है, फिर हम 33 में 2.5 इंच मिलाएंगे इस तरीके से मिला करके। फिर इसका भी हम आधा करेंगे इस तरीके से। ये हमारा आया है 9.25। अब हम स्केल से इसको शेप देंगे, कमर से चेस्ट, फिर उसके बाद नीचे घेरे से इस तरीके से। फिर हम स्केल को इस तरीके से घुमा करके घेरे से कमर तक इस तरीके से निशान लगाते हुए शेप दे। ये हल्की सी राउंड कमर में शेप दे देंगे। तीरा हम रखेंगे 6.5। फिर आर्म होल में शेप देंगे राउंड इस तरीके से, ऊपर से 1/2 इंच कंधे पे से नीचे की तरफ निशान लगा लेंगे। अब हम कटिंग करेंगे। नीचे घेरे में से इस तरीके से शेप दे देंगे हल्का सा। ये हुआ हमारा फ्रंट पल्ला तैयार। बैक पल्ला हम बिछा करके इस तरीके से फ्रंट पल्ला रखेंगे। ये बीच सेंटर मिला लेंगे। फिर उसके बाद ये
एक इंच हम आर्मोल में बैक पल्ले के एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। इस तरीके से हम ये कटिंग करेंगे आर्मोल। यह हुआ हमारा बैक पल्ला तैयार। अब हम इसको ये है सेमी स्टिच। पहले हम इसको गले को मिला लेंगे इस तरीके से। ये हमारा बीच सेंटर। अब हम ऊपर से इनर रखेंगे इसके ऊपर इस तरीके से। पूरा ढंग से रखने के बाद फिर उसके बाद हम कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट पल्ला। ये हमारी फ्रंट पल्ले की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब ये हमारा बैक पल्ला है। ये इस तरीके से ये दोनों गले को मिला लेंगे। ये हमारा गला है। इस तरीके से मिला लेंगे। ये हमारा बीच सेंटर। नीचे घेरे से मिला करके इस तरीके से मिलाते हुए ये हमारा बीच सेंटर बन गया है। अब हम इसके ऊपर अस्तर रखेंगे। ये हमने इस तरीके से बिछा लिया। ये हमारी लंबाई पूरी है। ये हमारा बीच सेंटर। ऊपर से हम हल्का सा कटिंग करते हुए ये आधा आधा इंच साइड से छोड़ते हुए ये हमारा बैक पल्ला। ये हमारी कटिंग तैयार हो। अब ये हमारी बाजू है। बाजू में ये कढ़ाई और ये पट्टी मिलाते हुए इस तरीके से दोनों बाजू बराबर। अब हम लेंथ रखेंगे। पूरी जितनी लेंथ है पूरी रख लेंगे। 3.25 इंच हम आर्मोल की हलाई के लिए। इस तरीके से हम मिला लेंगे दोनों। फिर हम आर्मोल का निशान लगाएंगे 8.5। 5 इंच ये ऊपर आर्मोल से लेकर मोहरी तक इस तरीके से निशान लगा करके फिर ऊपर से ये शेप देंगे ऊपर कटिंग।
ये हल्की सी आगे की तरफ की हलाई होती है, ये कट ये आगे की तरफ आता है ये पल्ला। ये बाजू की कटिंग तैयार हो गई। आपको हमारी ये सेमी स्टिच सूट की कटिंग ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।